everyone, this is Dushyant and you are watching NK Tutorial. So now let's start the second video of direct and indirect speech. You know, in my first video I convinced you what is direct and indirect speech. और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ओके, एंड हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, अंडरस्टूड द दैट वी आर गोइंग टू लर्न, हम इसमें सीखेंगे, सो लेट्स कम विद मी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्ट स्पीच है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट स्पीच, डीएस Rani says to me. Rani says to me, comma, I shall dance on the stage. On the stage. Inverted commas start. Inverted commas close. This is direct direct speech. You know, Rani says to me, comma, I shall dance on the stage. Statement closed under inverted commas. You know, अब हम कैसे convert करेंगे that we have to learn. In इसे change करने के लिए हमारे पास कुछ rules हैं which we have to follow. First of all हम यहाँ देखेंगे indirect speech में कैसे convert करेंगे. Here, Rani says to Says to को हम कन्वर्ट करेंगे मीमी सॉरी टेल मी यू नो व्हाट से टू को कन्वर्ट करेंगे टेल मी सेज टू को कन्वर्ट करेंगे टेल्स मी सेड टू को कन्वर्ट करेंगे टोल्ड मी अंडरस्टूड जस्ट लुक हियर अगर यू नो सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस के एंड में दिस लुक रिपोर्टिंग वर्ब के एंड में क्या है ऑब्जेक्ट हो देन इस सेज को सेड को हम चेंज करेंगे टेल में और टोल्ड में अंडरस्टूड यह है रानी सेज टू मी देन वी विल राइट डाउन हियर सेज टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे टेल में क्यों बिकॉज हियर इज ऑब्जेक्ट सो रानी टेल्स मी एंड इस कॉमा को रिमूव करेंगे कॉमा रिमूव करने के बाद हम वहां पे ऐड करते हैं दैट रानी टेल्स मी दैट नाउ व्हाट इज हियर आई क्या है प्रोनाउन जस्ट लुक हियर दीज रूल है प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है देन फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग रूल है And that is none other than son. S-O-N. Here. 1, 2, 3. Look here. First person. Here one standing for first person. Second standing for second person. Third is standing for third person. So, आप में से ये भी जानना चाहेंगे कि person किसे कहते हैं? What do you mean by person? You know how many types of person are there? Person, you know, it is a pronoun. आप भी हो सकते हो मैं भी हो सकती हूँ वो भी हो सकती है right? So there are three types of person. Person three types होते हैं first person, second person. Third person. Now, you want to know that what do you mean by first person? हम first person किसे कहते हैं? Then you know, guys, that first person is that person who speaks. Okay? First person हम उसे कहते हैं जो बोलता है. Okay? Are you getting now? Second person is that person to whom we speak. जिससे हम बातें करते हैं. Okay? Third person is that person about whom something is spoken. Third person हम उसे कहते हैं जिसके बारे में हम बातें करते हैं. Okay? तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है सेकंड पर्सन जिससे वो पर्सन बातें करता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में वो बातें होती है उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन इज दैट पर्सन हु स्पीक्स बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं और जिससे हम बोलते हैं उसे सेकंड पर्सन
जिसके बारे में हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा हमारा एग्जाम्पल, आई, मैं, मी, माई, माइन, आवर, अस, मैं, मेरा, हमारा, हम लोगों का। सेकेंड पर्सन यू, आप, योर, आपका, योर्स, आप लोगों का। अंडरस्टूड? थर्ड पर्सन ही, शी, ईट, दिस, दैट, एंड इसमें नेम भी आते हैं, नेम्स एक्सेट्रा। ठीक, आप किसी के बारे में जो बातें करते हो, डैट कम्स इन द थर्ड पर्सन। इसमें नेम भी हो सकता है, हो सकता है कि हम रीता के बारे में बात कर रहे हो सकता है हम जॉन के बारे में बात कर रहे हो। ओके, तो डैट कम्स इन द थर्ड पर्सन। क्लियर हुआ? नाउ सो फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर यू नो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, एस के मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड एस, एन स्टैंड फॉर नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। सो हियर फर्स्ट पर्सन चेंजेस, अगर प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन में है तो डैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में है, ये क्या है, सारे प्रोनाउन्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी उसमें, अगर हमारा प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस आएंगी, अगर हमारा प्रोनाउन थर्ड पर्सन में है देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ प्रोनाउन्स, प्रोनाउन्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? नो एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट्स प्रोसीड। सो हियर रानी टेल्स मी दैट आई शेड, हियर दैट शी विल डांस ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। सो नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, गो एंड प्रैक्टिस इट। बाय बाय।